हेलो गाइस, हाउ आर यू? सो कैसे हैं आप लोग? तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, बिकॉज आज की इस वीडियो में मैं आपको वी के कुछ ऐसे कोट्स बताने वाली हूँ जो कि वी ने अपने आर्मीज के साथ शेयर किए हैं। तो ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना, लेकिन आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए एंड बेल का आइकन प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड कर रहे तो वो सबसे पहले आपके पास ही पहुँचे। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो गाइस, एज वी ऑल नो कि वी बीटीएस में एक मूड मेकर के नाम से भी जाने जाते हैं। वी अपनी क्यूट हरकतों की वजह से आर्मीज के दिल में बसे हुए हैं। वी का जो वॉइस है, जो उनकी विजुअल है, वो तो स्पेशल है ही है, लेकिन साथ ही साथ जब भी वी को मौका मिलता है तो अपने लव को आर्मीज को दिखाते हैं। तो ऐसे कुछ स्पेशल कोट्स उन्होंने अपने आर्मीज के साथ शेयर किए हैं जो कि आप लोगों को जानना चाहिए। सो गाइस, जो वी ने कोट्स शेयर किए ना, तो उसमें सबसे पहला ये है कि डोंट बी ट्रैप्ड इन समवन्स एल्स ड्रीम, किसी और के सपने में मत फंसो। तो यहाँ पे वी कहना चाहते हैं कि अपनी लाइफ में हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसे काम करने चाहिए कि सामने वाला पर्सन हमारे सपने देखे, हमें लोगों के सपने में नहीं फंसना चाहिए। ओके, सो या यहाँ पे जो अभी आर्मीज है वो कहना चाहती होंगी, नो दी, हम तो फंसेंगे सपने में, वी इज़ माई बायस एंड यू नो, आपके जो भी बायस हैं आप बोल सकते हो कमेंट सेक्शन में, आई मीन टू से बता सकते हो मुझे। ओके, सो गाइस, जो वी का नेक्स्ट कोट है वो ये है, यू कैंट जस्ट कम इन टू समवन्स लाइफ, मेक देम फील स्पेशल एंड देन लीव। कि बस आप किसी के लाइफ में आके उनको स्पेशल फील करवा के उनको लीव नहीं कर सकते, उनको डंप नहीं कर सकते। ओके, तो आपने देखा होगा कि आजकल के टाइम पे जो लव होता है, जो यू नो रिलेशनशिप होता है, उसमें ज़्यादातर यही होता है, एक पर्सन आता है किसी के लाइफ में, उनको स्पेशल फील करवाता है एंड विदाउट एनी रीज़न उनको डंप करके चला जाता है। सो यहाँ पे वी ने इसके खिलाफ बोला है। ओके ओके, सो वी ने जो एक नेक्स्ट कोट शेयर किए वो ये है कि इफ़ यू कैंट फ्लाई देन रन, अगर आप फ्लाई उड़ नहीं सकते हो ना तो भागो। टुडे वी विल सर्वाइव, हमें आज सर्वाइव करना है, बचना है। इफ़ यू कैंट रन देन वॉक, अगर तुम भाग नहीं सकते हो ना देन चलो। ओके, टुडे वी विल सर्वाइव बिकॉज आज हमें सर्वाइव करना है। इफ़ यू कैंट वॉक देन क्रॉल, अगर आप चल नहीं सकते हो तो आप उस सिचुएशन में रहो लेकिन स्टॉप नहीं होना है। तो ये एक बहुत ही मोटिवेशनल कोट है अकॉर्डिंग टू मी। वेल, आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके, तो वी का जो नेक्स्ट कोट है वो ये है, व्हेन थिंग्स गेट हार्ड स्टॉप टू अ व्हाइल एंड लुक बैक एंड सी हाउ फार यू हैव कम। कि जब चीज़ें हार्ड हो जाए ना तो वहाँ पे स्टॉप, वहाँ पे रुक जाओ एंड पीछे देखो कि आप कितने आगे तक आ गए हो। ओके, एंड डोंट फॉरगेट हाउ रिवॉर्डिंग इट इज़, ये मत भूलना कि ये कितना ज़्यादा रिवॉर्डिंग है, लाइक कितना मेहनत लगा आपको यहाँ पे आने में एंड इस चीज़ के लिए आपको कितना ज़्यादा रिवॉर्ड मिल सकता है। ओके, यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल फ्लावर, कि तुम सबसे ज़्यादा ब्यूटिफुल फूल हो, मोर देन एनी वन एल्स इन दिस वर्ल्ड, कि इस दुनिया में अगर कोई भी ब्यूटिफुल है ना उससे भी ज़्यादा। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा कोट है अकॉर्डिंग टू मी। Yep, आप भी मुझे बता सकते हो। ओके, सो वी का जो नेक्स्ट कोट है वो ये है, यू आर द पार्ट ऑफ माई स्टोरी, मेमोरी एंड सीनरी, थैंक यू। तो ये जो कोट है ये वी ने आर्मीज के लिए बोला था कि आप मेरी लाइफ की सबसे ब्यूटीफुल कहानी हो, यादें हो एंड एक ऐसी सीनरी हो जो मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ, सो थैंक यू। ओके, सो वी का जो नेक्स्ट कोट है वो ये है कि पर्पल इज द लास्ट ऑफ द रेनबो कलर्स, सो इट्स मीन आई विल लव एंड ट्रस्ट यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई थिंक ये वाले कोट तो आप सभी लोगों को पता होगा कि जो पर्पल कलर है ना, ये रेनबो का लास्ट कलर है, इसका मतलब ये है कि मैं लॉन्ग टाइम तक आपको लव कर लूँगा, तो एंड आप पे विश्वास कर लूँगा। ओके, इसलिए बीटीएस में आई पर्पल यू का यू नो कल्चर चला है वी के इस कोट की वजह से। ओके, आई हैव अ बिग हर्ट फुल ऑफ लव, सो प्लीज टेक इट ऑल। तो यहाँ पे वी ने इस कोट को भी आर्मीज के लिए बोला है कि मेरे पास एक बिग हर्ट है जो कि एकदम लव से फुल है एंड प्लीज़ आप इसे ले लीजिए। ओके ओके, सो जो नेक्स्ट कोट है वो ये है कि पर्पल इज़ द लास्ट कलर, आई थिंक ये मैंने आपको बता दिया है। यस, सो जो नेक्स्ट कोट है वो है, डोंट बी ट्रैप्ड इन समवन्स एज ग्रीन। तो ये भी मैंने आपको बता दिया है। वेल, मैंने आपको इसलिए बताया है ताकि आपको याद आए कि डोंट बी ट्रैप्ड
किसी के भी सपने में मत फंसो। वेल गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आप डिटेल्स हिंदी वाले चैनल पे भी जाके देख सकते हो। बाय, टेक केयर।